Hello and welcome class. Today we are going to discuss a few other topics of portfolio management, starting with the capital structure. As you can see, the explanation of capital structure, it refers to the mix of debt and equity. Okay, so what is capital structure? मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास उसको 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों को मिलाकर जो अमाउंट उसके पास 5 लाख रुपए बना है उसको हम यहाँ कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर दैट अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन एंड ग्रोथ. ओके, किस लिए यूज कर रही है? अपने ऑपरेशन के लिए मेनली यूज कर रही है और ग्रोथ. नाउ इट इज क्रूशियल बिकॉज इट डिटरमाइंस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स फाइनेंशियल रिस्क. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दो चीजों की जानकारी हमें महत्वपूर्ण रूप से देता है. पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इस पूरे कैपिटल को पाने के लिए आपने क्या कॉस्ट अदा किया है? तो आपने डेट लिया है तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, आपने इक्विटी दिया है तो आप डिविडेंड पे करेंगे. तो ये जो आपका पेमेंट है, डेट के लिए इंटरेस्ट और इक्विटी के लिए डिविडेंड, ये दोनों पेमेंट आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, एंड इट्स फाइनेंशियल रिस्क. और फर्म के फाइनेंशियल रिस्क को समझना है तो आपको डेट और इक्विटी देखने को, आपको उसके मिक्स को समझना पड़ेगा, उसके मिक्स को समझना पड़ेगा. खास करके जब बूम टाइम पीरियड होता है, कोई इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही होती है ना, तो उस समय अगर कोई कंपनी बहुत इक्विटी इशू करके रखी हुई है, सॉरी बहुत डेट इशू करके, बहुत डेट उसने ले रखा है ना बूम टाइम पीरियड पे, तो उसको फायदा अच्छा खासा होता है. और अगर कोई कंपनी रिसेशन के टाइम पीरियड पे डेट पर काम करती है तो वो कंपनी को बहुत ही घाटा होता है. ये एक बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है. सो डेट एंड इक्विटी के सही मिक्स को बनाए रखना, क्योंकि यू एज अ फर्म कैन नॉट डिसाइड द बूम एंड रिसेशन ऑफ एनी इकोनॉमी. सो सही मिक्स को बनाए रखना, उसको हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, और यहीं से हमारा फाइनेंशियल रिस्क जनरेट होता है. ठीक है ना, अब इसके की कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो आप देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के की कंपोनेंट हैं आपके डेट और इक्विटी. तो इसको मैं लिख देता हूं अलग से, डेट और इक्विटी, ये दोनों की कंपोनेंट हैं. ओके, सो डेट किस किस तरह का है? तो सबसे पहले तो लोन, बैंक से जो लोन लेते हैं, मान लीजिए बॉन्ड्स इशू करके हम पैसे उठा रहे हैं, कंपनी पैसे, या और कोई भी फॉर्म हो सकता है. लोन और बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डेट है. इक्विटी में आपके पास जो आपका कॉमन स्टॉक है ना, एक तो कॉमन स्टॉक है, और अभी अभी हमने पढ़ा प्रेफरेंस स्टॉक है ना, प्रेफरेंस स्टॉक है वो है आपके इक्विटी का पार्ट है ना. एग्जाम्पल मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, 10 लाख रुपीज का इक्विटी है ना, 5 लाख रुपए का डेट है और 10 लाख रुपए का इक्विटी. तो अगर उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को हम देख लिया, हम डेट इन कंप्लीट कैपिटल क्या है, तो हम देखते हैं डेट अपॉन कैपिटल. तो डेट 5 लाख बटे 15 लाख, तो आप देखेंगे आपकी डेट मिक्स है वो है 33%. और इसी तरह अगर इक्विटी देखें तो 10 लाख बटे 15 लाख, अच्छा इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप पाएंगे ये लगभग 66.66% आपका इक्विटी है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में.